हाय गाइस, देखिए आज हम पेडॉक्स टूल्स लेके आया और ये हर मैकेनिक भाई के पास होना चाहिए, जैसे कि MT R15 ये सब में चेन लुब्रिकेंट करने के लिए, चेन एडजस्ट करने के लिए ये टूल्स बहुत ज़रूरी है। और ये टूल्स आपको कहाँ पे मिलेगा और इसका MRP कितना है, सब कुछ हम इस वीडियो में आपको बता देंगे। तो पहले इसको हम ओपन करेंगे और इसमें देखेंगे, हम तो ऑरेंज कलर चूज़ किए थे और इसमें कौन सा कलर आया है, तो पहले इसको ओपन करके हम देखेंगे। तो गाइस देखिए, फाइनली ये हमारा पेडॉक टूल्स है और ये टूल्स हर मैकेनिक के पास होना चाहिए, क्योंकि अभी का BS6 गाड़ी में MT R15 डोमिनोर और सुजुकी का जितने सब गाड़ी आ रहा है अभी, ये सब गाड़ी में मेन स्टैंड नहीं रहता है। तो ये जो पेडॉक स्टैंड है, तो गाइस देखिए, ये अगर आपको डिश पैड चेंज करना है या तो आपको चेन को लुब्रिकेंट करना है या तो व्हील को ओपन करना है, तो ये करने के लिए आपको ये स्टैंड की ज़रूरत पड़ेगा। और इसका MRP आपको बता रहे हम 2,082 रुपीज़। और ये फ्लिपकार्ट अमेजन में मिल जाएगा। अगर आपको लिंक चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, हम इसका लिंक पर भेज देंगे आपको। और फ्रेंड देखिए, यहाँ पे एडजस्टर दिया हुआ है, देखिए ये एडजस्टर को आपको सेट करके आपको गाड़ी में सेट करना है। देखिए ये इसको पिन को ओपन करके आप इसमें कहीं पे भी लगा के आपको अपना काम कर सकते हैं। देखिए और इधर में भी सेम सिस्टम है, देखिए यहाँ पे एडजस्टर दिया हुआ है, ये अपना हिसाब से इसको एडजस्ट करके आपको काम करना है। और ये बहुत ही अच्छा है और बहुत मजबूत भी है ये। आपको अगर चाहिए तो आप फ्लिपकार्ट अमेजन से ले सकते हैं। अगर आपको इसका लिंक चाहिए तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, आपको हम लिंक भेज देंगे। और गाइस देखिए, इसमें प्लास्टिक का व्हील लगाया, देखिए ये भी बहुत मजबूत है। देखिए और स्टैंड करने का टाइम, देखिए गाइस स्टैंड करने का टाइम आपको इस तरीके से स्टैंड करना पड़ेगा, देखिए। और आप आसानी से अपना जो काम है ये कर सकते हैं, बिल्कुल आसानी से अपना काम को सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड, आप अगर मेरे चैनल में नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि और अच्छा वीडियो लेके आपको सामने आने वाले हैं। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पे आपको एडजस्ट करना पड़ेगा और अभी हम एडजस्ट कर रहे हैं और स्टैंड करके आपको दिखाने वाले हैं। दोनों साइड से आपको अच्छी तरह से एडजस्ट करना पड़ेगा, इसी तरीके आपको एडजस्ट करना है। और फाइनली गाइस देखिए, हमारा जो स्टैंड है ये फाइनली लग चुके हैं। और वीडियो को अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए, ऐसी और वीडियो लेके आपके सामने आने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।